का जिक्र करेंगे जिसमें अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। समोसे का ठेला लगाने वाले दुकानदार के ठेले को बीच सड़क पर रखकर जेसीबी के जरिए तोड़ा गया। दुकानदार चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। पूरी घटना को लेकर महापौर ने भी संज्ञान लिया है। कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन होना चाहिए लेकिन एक्शन को लेकर यह किस प्रकार का रवैया, यह सीधा सवाल। ठेला तोड़कर आखिर क्यों सजा दी गई इस व्यक्ति को, जिसका रोजगार महज इस ठेले में सिमटा हुआ था। जबलपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, निगम की मानामानी और इसी के चलते ये झड़प। ठेले गुमटी हटाए जाते हैं, इसकी तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन तस्वीरें यह भी स्पष्ट करती है कि किस प्रकार मनमानी यहां पर कर्मचारी कर रहे हैं। समोसे का ठेला लगाने वाले दुकानदार और क्या बीती होगी उस वक्त जब यह दृश्य उसके सामने होगा। ठेले को बुरी तरह से चकनाचूर कर दिया गया, बीच सड़क पर ठेले को ध्वस्त कर किस प्रकार का संदेश देना चाहते थे निगमकर्मी, यह सवाल इस तस्वीर के सामने आने के बाद। दुकानदार चिल्लाता रहा, रोता रहा, किसी ने एक ना सुनी। रोजगार का सीधा माध्यम उसके लिए यह ठेला ही था। पूरी घटना को तमाम लोग भी मौजूद खड़े रहे, देखते रहे, और निगम कर्मी की मनमानी ऐसी कि बीच सड़क ठेला रखकर उसे डहा दी। पूरी घटना को लेकर अच्छी बात यह कि महापौर की तरफ से संज्ञान लिया गया है। हो सकता है कि उन लोगों को चिन्हित किया जाए जो इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए यहां पर पहुंचे थे। कोतवाली इलाके का मामला, हंगामा आगे ना बढ़े इसके लिए पुलिस की भी मौजूदगी थी, लेकिन आखिर ये कैसी कार्रवाई है, ये सीधे सवाल खड़े होते हैं। ठेला तोड़कर आखिर इस व्यक्ति को क्यों सजा दी गई। स्विगी पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या कुछ हुआ इस दौरान जब कार्रवाई चल रही थी, विस्तार से जानकारी। जी, जबलपुर में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। शहर के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए प्रतिदिन शहर की सड़कों से अवैध ठेले टपरे हटाए जा रहे हैं, जिसके दौरान आज जो है ये तस्वीर सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र में जब नगर निगम की अतिक्रमण अमला पहुंचा तो वहां ठेले वाले से विवाद हो गया, जिसके बाद में ठेले को जबरदस्ती रोड पर लाकर उस पर जेसीबी का पंजा मार के उसे तोड़ा गया है। इस दौरान काफी विवाद भी हुआ और इस कार्रवाई को जो है तानाशाही वाली कार्रवाई बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में महापौर ने भी संज्ञान लिया है, कमिश्नर ने भी संज्ञान लिया कि आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी थी, वहां पर तोड़ना पड़ा, ठेला तोड़ना पड़ा और विवाद की स्थिति बनी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और ये भी निर्देश अतिक्रमण दल को दिए गए हैं कि भविष्य में इस तरह से किसी के ऊपर अत्याचार न किया जाए, किसी के सामान को नुकसान न पहुंचाए। ये कौन सा क्षेत्र है पवन, क्या बहुत लंबे समय से अतिक्रमण होता रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये जबलपुर का कोतवाली क्षेत्र है, जो बेहद घना इलाका है, दुकानें भी है, मार्केट रहवासी इलाका भी है, और वहां पर ये 10 रुपए में 4 समोसा बेचते थे अंजलि समोसे वाले, जिसके कारण इतना भीड़ काफी लगती थी और सड़क पर जाम के हालात बन जाते थे और कहीं ना कहीं ये यातायात में अवरोध भी उत्पन्न होता था, इसी कारण से ये कार्रवाई। ठीक है, चलिए देखने वाली बात की महापौर की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका पवन। शाजापुर का जिक्र करेंगे जहां राम कीर्तन यात्रा में विवाद हुआ और विवाद के बाद फौरन बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आई। आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, बुलडोजर से घर का अवैध निर्माण दहाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। सोमवार को यह पूरा घटनाक्रम सामने आया था। राम कीर्तन यात्रा जिसे लेकर विवाद हुआ, 24 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और नतीजा ये निकला कि कार्रवाई फौरन यहां पर हुई। निगम का दस्ता मौजूद रहा, पुलिस की टीम मौजूद रही, जिससे हंगामा ना बढ़ ज्यादा और अपराधी के मकान को ध्वस्त किया गया। आरोपी था, उस आरोपी के संबंध में नगर पालिका परिषद द्वारा भी जानकारी एकत्र की गई। अवैध निर्माण पाए जाने की स्थिति में नगर पालिका द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है। उस निर्माण के संबंध में अवैध अतिक्रमण हटाना था, इस संबंध में उन्होंने पुलिस व्यवस्था और शांति व्यवस्था के लिए पुलिस अनुरोध किया था, इस संबंध में पर्याप्त पुलिस बल लगा के साक्ष्यों की व्यवस्था की। धार का जिक्र करेंगे, राम मंदिर पर कांग्रेस में कलह लगातार बढ़ती जा रही है। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। दीपेंद्र सिंह ठाकुर का जिक्र करें जिन्होंने प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने से नाराज चल रहे हैं। हो सकता है कि दबी जुबान में नाराजगी अलग अलग कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से व्यक्त भी की जा रही है। आज मैंने त्याग पत्र माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को सौंपा है, साथ ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है, और वो सिर्फ इसलिए
कि राम का विरोध किसी भी कीमत पर मुझे सहन नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अज ईश। और माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय खड़गे जी और माननीय चौधरी जी को जो निमंत्रण तक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए, जो 500 वर्ष के संघर्ष के बाद आज अयोध्या में जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर का भव्य समारोह होने वाला है, उसका निमंत्रण पत्र अस्वीकार करना कहीं ना कहीं मेरे मन को आघात कर गया। राम मंदिर के लिए लोगों की अलग अलग तैयारियां भी चल रही हैं, कुछ लोगों ने संकल्प भी लिए हैं, जैसे कि दमोह के फली कहलाए जाने वाले बद्री विश्वकर्मा, इन्होंने संकल्प लिया था कि मंदिर बनेगा तो ये प्राण प्रतिष्ठा होने पर अपने बालों से रथ खींच कर ले जाएंगे। अब राम मंदिर बना है तो ऐसे में बद्री रथ खींचकर करीब 550 किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं। बटियागढ़ से छतरपुर बागेश्वर धाम होते हुए अयोध्या तक की यात्रा, प्रतिदिन करीब 50 से 55 किलोमीटर बद्री अपने बालों से रथ खींचेंगे। हम यहाँ से यात्रा लेकर जा रहे हैं, रथ लेकर जा रहे हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे अपने हमारे बड़े भाई पवन जो मनोज देवलिया जी के माध्यम से और उनके सहयोग से मैं जा रहा हूँ, और हमारे गुरुदेव श्री श्री वेदांत आचार्य जी महाराज जी, जो कि 4 बार गोल्डन लिस्ट हैं, जो 4 बार गोल्डन मेडल मिला है पढ़ाई में, तो उनके आशीर्वाद से हम यहाँ से बटियागढ़ से राम मंदिर से रथ लेकर के जा रहे हैं। रथ का देख रहा अपने चोटी बांध करके और अपने हम श्री रामचंद्र महाराज जी के चरणों में जाकर के हम वहीं सिर झुकाएंगे, वहीं जाकर रथ की चुटिया खोलेंगे।